भाई आज चल रहे हैं अपनी ग्रैंड विटारा की 20,000 वाली सर्विस कराने। हालांकि हुए नहीं अभी 20,000, ये ठीक है, पर रीजन है इसके पीछे। एक तो भाई वो वाला शीशा चला गया, तो मैंने वो ऑर्डर पे लगाया था, वही लग गया था, तब अंदर से वो आ गया। मैंने कहा अब 19,640 के आसपास चल गई, तो करवा लेते हैं इसको। भाइयों राम राम, नया दिन नया व्लॉग। क्या हाल है भाइयों के? आज ग्रैंड विटारा की सर्विस कराएंगे अपनी, ठीक है। देखते हैं क्या कॉस्ट आती है 20,000 वाली। अब ये मेजर रहती है क्या रहती है, 30,000 वाली रहती है, मेरे को इतना पता नहीं है, ठीक है। और इसकी सर्विस कॉस्ट का खर्चा देखेंगे, बाकी वो जो मिरर है उसका भी बताऊंगा मैं कितना खर्चा है अंदर से जो है। बाहर से भाई लगवाया इसलिए नहीं क्योंकि बाहर से धुंधला आता प्रॉपर, अभी ऑर्डर पे आया ये भी पार्ट 2-3 दिन में, ठीक है। और बाकी पहुंच ही गए हैं, अब दिखाते हैं। भाई भाई ये पहुंच गए मारुति, यहाँ सर्विस होती है ओनली, वर्कशॉप का काम नहीं है, बॉडी वर्कशॉप का। इधर बस यहाँ पे पार्ट्स लग जाते हैं, अपना पेंट डेंटिंग पेंटिंग काम नहीं है मेन। यहाँ वाली खाली रहती है, तो वो वाली है मारुति, वो भाई भरी रहती है लगभग, ये उसके मुकाबले छोटी भी है। भाई अपनी बाइक चालू करेंगे, गाड़ी भी नहीं है कुछ भी नहीं, काम करना है तो इसलिए आ गया। अभी थोड़ी देर में वापस वहीं जाऊंगा, वहां जाके दिखाता हूँ। और ये वाली तो है भाई मेजर सर्विस, इसकी जो मेरे को बताई है वही है 20,000 वाली की मेजर सर्विस, उसके बाद नॉर्मल सर्विस होगी। देखते हैं कितना खर्चा आएगा इस बार, तो बता रहे खर्चा आएगा ज़्यादा, बाकी देखते हैं। अभी तो ये चालू करते हैं अपनी बाइक, इसको भी धुलवा ही लेते हैं आज, फिर उसके बाद जाके देखते हैं वहाँ पे क्या खर्चा आता है क्या नहीं आता। भाई रही बात उसकी अपडेट की MG की, तो भाई उसमें खर्चा तो अभी तक तो कुछ नहीं आया, क्योंकि वो गाड़ी वारंटी में, देखो एक तो पहली बात तो वो ये है, फिर प्लस में उसका ये भी है कि जो उसके सेंसर वेंसर थे ना सारे वो क्लीन हुए हैं, उसकी वजह से धुआं छोड़ रही थी अभी तक तो ये पता है। और सीट का भी मेरे को खुद ही नहीं पता, अभी वही बात चल रही है उसकी सीट की कि क्या है दिक्कत उसमें, बाकी मैं अपडेट करता हूँ, आधी आएगी जल्दी आ जाएगी 2-3 दिन में, ये भी बहुत दिन बाद चालू हो रही है। भाई ये धुलवाई ली, इसमें धूल ज़्यादा ही हो रही थी चलाने में, वैसे हो रही थी अपना निकलते सोसाइटी के बाहर ही। एक चीज़ देखी मैंने अभी नोटिस करी, इसके रूट भाई चोरी कर लिए, बताओ यार हद है यार लोगों की, बाइक खड़ी हुई रूट्स भी चोरी कर रहे हैं। भाई जिस जगह खड़ी थी उस जगह कैमरा नहीं थे, बाकी मैं एक बार चेक करूँगा अगर कोई दिख जाए तो, बाई चांस दूसरी जगह था अगर उसके हाथ में दिख जाए रूट वगैरह जहाँ से निकलते हैं अपन, बड़ी दिक्कत है। कैमरा भी चेक कराना पड़ेगा, रूट भी चोरी कर लेगा तो भाई यार हद है यार। भाई ये 2200 रुपये के आते हैं आज की डेट में, वो बड़े वाले रूट्स थे, वापस लगवाने पड़ेंगे इसमें। गाड़ी डन, और ये अपना बिल भी ले लिया, गेट पास भी ले लिया अपना, अब चलते हैं यहाँ से और बताता हूँ क्या खर्चा है इसका पूरा टोटल का। यहाँ पे तो ये चालू हो जाती है, यहाँ पे वो चला रहे थे भाई जो लेके आए थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी, रीसेट हो गई। डिजिटल वैसे ये लो अभी धुली है वो, फिर पानी छोड़ जाएगा, शीशा खराब हो जाएगा, साफ है। हाँ जी भाई वो सर्विस तो देख ली होगी, भाई सर्विस बहुत जल्दी होगी। एक तो ये बात है कि शोरूम जब सामने है तो इस वजह से फर्क पड़ता है, और सर्विस बहुत जल्दी हुई है इसकी, लगा लो 2:30 बजे मैंने गाड़ी दी थी, ठीक है, और मेरे को 5:45 बजे गाड़ी मिल गई, वॉशिंग वगैरह हो के सर्विस वगैरह हो के। और सर्विस कॉस्ट भी बताता हूँ अभी मेरे क्या आई है क्या नहीं आई है इसमें, मेरा बिल बिल बहुत मोटा भाई, बहुत मोटा खर्चा आया इसमें इस बार। ये भाई वो थी जो बताई थी मैंने आपको, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल सर्विस नहीं थी यार, वो मेन सर्विस होती है जो मेजर सर्विस थी इसकी। पर हाँ ब्रेक शू ब्रेक पैड नहीं डले, मैंने पता करे थे, वैसे मारुति में हर 20,000 में
ब्रेक शू ब्रेक पैड डलते हैं, इस गाड़ी में नहीं डले। इस गाड़ी की अच्छी बात है मारुति ने बनाई है, तो कहीं ना कहीं फायदा भी है उस चीज का। वो कह रहे थे अगली में शायद डलेंगे, शायद कि 30,000 चलने के बाद अब 30,000 वाली सर्विस आएगी जब डलेंगे। अब का तो पता नहीं, अभी तो नहीं डले इसमें। आगे मैं दिखाता हूँ आपको खर्चा क्या है इसमें। भाई खर्चा इसमें 13,060 रुपये टोटल इसमें आया है। इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या लगा है इसमें, ठीक है। और देखो पहले इसमें लगा है गैसेट 7 रुपये का लगा है इनने, प्लग और ऑयल ड्रेन के लिए भाई 67, एयर क्लीनर 258, गैस कंपोनेंट डिस्टिल्ड वाटर। ये तो नॉर्मल है, ये तो चलो छोड़ो, जो मेन है वो देखना है अपन। इसमें एक तो एयर कैबिन फिल्टर आया है इसमें, अरे चीज देख रहे हो इसमें ब्रेजा वाला लगा है, इधर ब्रेजा लिखा आ रहा है, ग्रैंड विटारा नहीं लिखा आ रहा, ठीक है। और पेपर फ्लोर मैट के भी इन्होंने पैसे लिए हैं, तो ये लगाते हैं ना। वाह नाइस, ये उम्मीद थी मेरे को आपसे। बॉडी वैक्स लगाई है इनने, जो लगती है पॉलिश भाई वो है ये, ठीक है। इसमें स्क्रीन वॉश 50 ml, जो इसमें ये लगा है ना भाई, अंदर साबुन डाला इनने, उस चीज़ के भी पैसे लगा दिए, बताओ हद। उसके बाद भाई ऑयल है, ये तो इंजन ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल डाला है इसमें, 3,260 रुपये का ही, 58,000 वही बात है एक ये। और इसमें क्या डला है, डायग्नोस के भी चार्ज लिए भाई इनने 330 रुपये। फिर PMS 1,315 रुपये, बैलेंसिंग के 400 रुपये भाई, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट टोटल 800 रुपये लिए। अरे भाई जो मेरा जो ये वाला टूट गया था ना, हम बता रहा था भाई, ये 306 रुपये का भाई। विंटर हेल्थ चेकअप, ये क्या है भाई, क्या क्या लगा रखा है, डोर ग्लास लुब्रिकेंट जो लगाया भाई उसके 450 लगाए हैं, और बॉडी रबिंग और पॉलिश करी भाई इनने उसके 1,500 रुपये लिए इनने। और फ्रंट ब्रेक कैलिपर का वो सेट करके इनने लिए 1,227 रुपये, और टोटल ये रहा 13,160 रुपये भाई। वाह नाइस, बहुत महंगा खर्चा, कोई बात नहीं भाई, ये भी ज़रूरी था। बाकी इसको थोड़ा सा भगा के देखता हूँ, जब बताऊँगा कि क्या फ़र्क लगता है मुझे, क्योंकि भाई इन सिंथेटिक ऑयल पहली बार डला है इसमें, 10,000 वाली पे भी नहीं डलवाया था मैंने। सिंथेटिक ऑयल में क्या फ़र्क आता है मेरे को पता ही नहीं, इन्होंने डाला ज़रूर है, देखते हैं बाकी। हाँ भाई इसमें पिकअप में तो भाई देखो नो डाउट फ़र्क है पहले से, क्योंकि जब सर्विस मांगती है ना गाड़ी तो अलग से पता चल जाता है। अब मैं इसमें रेस दे रहा हूँ ना एकदम से, तो एकदम से उठ रही है गाड़ी, फर्क पता पड़ रहा है। नॉर्मली 19,000 जब ये हो गई थी ना, तो पिकअप थोड़ा डाउन था इसका, वो पता पड़ रहा है। बाकी सिंथेटिक ऑयल डला इस बार, तो पता करते हैं कि कितना फर्क आता है ऐसे इंजन ऑयल नॉर्मल की जगह सिंथेटिक डला है उसमें, अगर एवरेज ज़्यादा देती है क्या देती है वो देखेंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और भाई सपोर्ट करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो फटाफट चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब देखते हैं MG में क्या आ रहा, क्या खर्चा है क्या नहीं है उसमें। वारंटी में तो है भाई, खर्चा तो कुछ भी नहीं है, बाकी देखते हैं उन्होंने करा क्या है वो जरूर देखेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाऊंगा मैं, स्टे ट्यून्ड।